बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 139 मुलाहिदा फरमाएं। गरीस शानी को लेकर कुछ फासले पर चली गई। वो शानी को तसल्ली दे रही थी मगर दफ़ातन वो खुद चिल्ला उठी। शानी ने उसकी निगाह का ताकुब किया और वो भी दहशत ज़दा रह गई। एक अज़दानुमा सांप एक गोशे में कुंडली मारे बैठा था। इत्मीनान की बात सिर्फ ये थी कि उसका सर किसी भारी पत्थर के ज़रिए कुचल दिया गया था। ये वाकई अभी थोड़ी देर पहले हुआ था क्योंकि ज़मीन पर खून के दब्बे ताज़ा थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ ये कार्रवाई इंस्पेक्टर शाद ने की। इंस्पेक्टर शाद ने कहा, अब घबराने की ज़रूरत नहीं, हमने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है, आसपास अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है। शानी ने रोते हुए पूछा, ग्रीस ये सब क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे कुछ बताओ। अभी मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं, ग्रीस ने सरगोशी की, बस इतना पता चला है कि इंस्पेक्टर शाद को रुस्तम लाशों के ढेर में से मिला है। वो पहले रुस्तम को भी मुर्दा समझता था लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी सांस चल रही है। टार्च की रोशनी में अच्छी तरह रुस्तम को पहचानने के बाद वो रुस्तम को यहाँ ले आया है। इस काम में शाद के एक काबिले एतमाद मातहत ने भी उसकी मदद की। रुस्तम की टांग शानी सिसकी, अभी इस बारे में कुछ पता नहीं, लगता है कि टांग कल रात होने वाली लड़ाई से पहले कटी है। यह भी हो सकता है कि रुस्तम ने किसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश की हो और बारूदी सुरंग के फटने से उसकी टांग जख्मी हो गई हो। इंस्पेक्टर शाद ने क्या बताया है, कुछ नहीं, शायद वो बताना नहीं चाहता या फिर उसे मालूम ही नहीं है। क्रिस, रुस्तम को गोलियां लगी हैं? हाँ, दो तो साफ नजर आ रही हैं, एक कंधे में, दूसरी पसलियों में, मजीद का पता डॉक्टर नासिर को होगा। रुस्तम के जबड़े पर भी शदीद चोट है, शायद टूट गया है। क्रिस, वो बच जाएगा ना, शानी की आवाज़ में दुनिया जहाँ का करब सिमट आया था। तुम दुआ करो, मुझे लगता है कि तुम्हारी दुआ उसके लिए कबूल होगी। शानी ने अपना सर घुटनों में झुका लिया और खामोशी की जबान में कादरे मुत्तलिक को पुकारने लगी, है मालिक, मेरे सारे प्यारे मुझसे छिन गए, मेरा बाप जिसके सीने पर रुखसार रख कर मैं सोती थी, मेरी माँ जिसकी गोद में सर रख कर मैं दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद हो जाती थी, मेरा शेर जैसा भाई जिसकी छोड़ी छाती मेरी मुसीबतों के सामने दीवार थी, एक एक करके सब मेरा साथ छोड़ गए, अब बस एक गैर बचा है जो अपनों की तरह है, जिसको देखकर दिल की गहराई में जीने की उमंग जागती है, जिसकी मजबूत बाहों के नीचे आफियत के साए नजर आते थे, अब वो भी जा रहा है। है मेरे मालिक, अगर मेरी जिंदगी के बदले से जिंदगी मिल सकती है तो दे दे, अगर मेरी जिंदगी में कुछ राहतें खुशियां बाकी हैं तो मैं उन सारी राहतों खुशियों के बदले बस इसकी एक मुस्कुराहट चाहती हूँ। मुझे मांगना नहीं आता मेरे मालिक, लेकिन तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। वो घुटनों में सर देकर सिसकती रही, आंसू आबशारों की तरह उसके रुखसारों पर चलते रहे। डॉक्टर नासर जो खुद भी जख्मी था, आहनी अजम और बेमिसाल हिम्मत के साथ बेसरो सामानी के आलम में रुस्तम के जिस्म से गोलियां निकालने की कोशिश में था और यह सब कुछ टार्च की रोशनी में हो रहा था। टार्च जो डॉक्टर नासर के मददगार इंस्पेक्टर शाद के हाथ में थी। शानी और ग्रीस इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि वो आगे बढ़कर इस अजीबोगरीब सर्जरी के मनाजर देख सके। डॉक्टर नासर का चर्मी बैग जिसमें तिबी इमदाद का सामान था रुस्तम के पाँव की तरफ रखा हुआ था। डॉक्टर नासिर की हिदायत पर इंस्पेक्टर शाद गाये बगाए बैग में से कोई चीज़ निकालता था और नासिर की तरफ बढ़ा देता था। एक दो मौकों पर डॉक्टर नासिर के लहजे में बड़ी परेशानी और बेकरारी महसूस हुई। इस बेकरारी ने शानी को भी माही बेआब की तरह तड़पा दिया था। इसे हर घड़ी ये धड़का लगा था कि अभी डॉक्टर नासिर कोई ऐसी बात कह देगा जो रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर देगी। डॉक्टर नासिर और इंस्पेक्टर शाद मुसलसल सरगोशियों में बातें कर रहे थे। शानी ने नोट किया कि डॉक्टर नासर जो डेरे पर हमेशा जीन्स और शर्ट में नजर आता था वो कामी तरह की शलवार कमीज में था, शायद ये बेस उसने खुद को बचाने के लिए बदला था। नीम तारीख खूह में डॉक्टर नासर एक सख्त जंग में मसरूफ था। शानी जानती थी ऐसे मौक़ों पर मरीज के लिए दर्जनों सहूलतें फराहम करना पड़ती हैं, ऑक्सीजन की फरहमी, खून का इंतकाल, धड़कन की मानीटरिंग के आलात, लेकिन यहाँ कुछ भी ना था। संगलाख ज़मीन थी, टार्च की रोशनी थी और एक दीवाना डॉक्टर पूरी जान फिशानी से अपने मरीज की जान बचाने की कोशिश में था। करीबन एक घंटे बाद डॉक्टर नासर और शाद अपना काम समेट कर रुस्तम के पास ही हट गए। शानी तड़प कर रुस्तम के पास पहुंची। वो सीधा लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और चेहरा जिंदगी की रमक से खाली था। शानी ने सवालिया नजरों से डॉक्टर नासर की तरफ देखा। इन नज़रों में कर्ब, खौफ और उम्मीद की लहरें एक दूसरे को जेर करने की कोशिश में थी। डॉक्टर नासर के मदकूक चेहरे को दुनिया जहाँ की संजीदगी ने ढांप लिया था। वो अपने ढलके हुए शानों के साथ हमेशा से मुख्तसर दिखाई दे रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब जो कुदरत को मंजूर है। शानी ने आगे बढ़कर रुस्तम के सीने पर हाथ रखा।
सांस की आमदोरफ्त बहुत मदम थी लेकिन महसूस की जा सकती थी। उसका रंग हल्दी की तरह जर था। खून से भीगी हुई बहुत सी रुई और रोमाल वगैरह डॉक्टर नासर ने एक शापर में डालकर कोने में रखे हुए थे। रुस्तम के कंधे और पहलू पर बड़ी बड़ी सफ़ेद पट्टियाँ नजर आ रही थी। डॉक्टर नासर ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैंने दोनों गोलियाँ निकाल दी हैं लेकिन खून बहुत ज़ाया हुआ है। काश अब इसे खून लगाया जा सकता। कुछ भी करो नासर, लेकिन अल्फाज शानी के गले में उलझ गए। वो फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी। मैंने बताया है ना बीबी, मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया है। अगले 24 घंटे बड़े अहम है। अगर ये निकल गया तो फिर रुस्तम भाई के बचने की उम्मीद पैदा होगी। 24 घंटे शानी को यूं लगा जैसे नासिर 24 बरसों की बात कर रहा हो। इंस्पेक्टर शाह ने कहा, नासिर मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस तरफ कोई नहीं आएगा और अगर आया भी तो मैं आस पास ही मौजूद हूँ, संभालूंगा। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ रोशनी ना हो। मेरे जाने के बाद टॉर्च भी बुझा देना तो बेहतर है, वैसे भी इसकी बैटरी कमज़ोर पड़ रही है। डॉक्टर नासिर ने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर नासिर और इंस्पेक्टर शाद खूह के दहाने की तरफ चले गए। पत्थर की सील लटाकर शाद बाहर निकल गया। नासिर ने ग्रीस के साथ मिलकर सील दोबारा एहतियात से दहाने पर रख दी। बदीद एहतियात के तौर पर ग्रीस ने कुछ गीली मट्टी इन दर्जों में भर दी जो सील के इर्द गिर्द मौजूद थी। डॉक्टर नासिर ने अपनी जहाज़ी साइज़ की मेडिकल किट खोली। इसमें काफ़ी सामान और दवाएँ वगैरह मौजूद थी। वड्डे डेरे पर भी ये मेडिकल किट अक्सर डॉक्टर नासिर की पुश्त पर नजर आया करती थी। जब किसी मरीज को सुरंग नंबर 2 में नहीं लाया जा सकता था तो नासिर खुद उसके पास पहुंचता था। ये मेडिकल किट तब उसकी पुश्त पर होती थी। डॉक्टर नासिर ने किट में से 2 इंजेक्शन निकाले और टार्च की रोशनी में यके बाद दीगरे रुस्तम के बाजू पर लगा दिए। इंस्पेक्टर शाह ने टार्च बुझाने का कहा था लेकिन रुस्तम की हालत के पेश नज़र नासिर ने टार्च नहीं बुझाई। इसने टार्च को ऐसे जाविये से ज़मीन पर रखा कि उसकी रोशनी रुस्तम के चेहरे पर पड़ती रही। फिर वो तीनों रुस्तम से कुछ फासले पर बैठ गए। ग्रीस ने अंग्रेजी में डॉक्टर नासिर से पूछा, डॉक्टर तुम खुशकिस्मत हो, वरना डेरे पर से तो चंद बंदे ही निकल सके हैं और जो निकले हैं वो शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार हैं। मेरे बचने का भी कोई इम्कान ना था, बस अभी कुछ सांस बाकी थे। मैं गड्ढे में गिर गया जहाँ ऊंची घास थी। मेरे हाथ से राइफल निकल चुकी थी, मेरे चारों तरफ गोलियां चल रही थी। मैं जानता था कि गड्ढे से निकला तो बेमौत मारा जाऊंगा। मैं वहीं पर दुबका रहा। यहाँ कैसे पहुंचे तुम, शानी ने पूछा। गड़े में एक अजराली की लाश पड़ी हुई थी। लंबी घास के अंदर उसका सर कीचड़ में धंसा हुआ था। मैंने वहीं पड़े पड़े अपने कपड़े उतारे और अजराली के पहन लिए। इसी दौरान में मेरी नज़र रुस्तम भाई पर पड़ी। मैंने इन्हें बुलंदी से गिरने के बाद गिरते देखा। ये बेहोश होने से पहले उनके आखिरी लम्हा थे। इनकी राइफल खाली हो चुकी थी। उसके बावजूद ये हार मानने को तैयार ना थे। डॉक्टर नासिर ने चलने में तवक्कुफ किया और फिर बोला, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स इस हद तक बेबस होकर भी लड़ाई जारी रख सकता था। ये एक पुलिस वाला था और 2 अजराली थे। टार्च की रोशनी में उन्होंने लाशों के ढेर में रुस्तम भाई को पहचान लिया था। उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो रुस्तम भाई को जिंदा गिरफ्तार करने के चक्कर में पड़ गए। वो भाई रुस्तम भाई के करीब आए और भाई राइफल को लट की तरह इस्तेमाल करते हुए उन पर वार करते थे। एक शख्स को राइफल के दस्ते से ऐसी चोट लगी कि वो लड़कता हुआ नीचे खाई में गिर गया और अपने अंजाम को पहुंच गया। बाकी 2 ने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसी दौरान में किसी तरफ से एक ब्रेस्ट आया और वो दोनों छिलनी होकर रुस्तम भाई के ऊपर जा गिरे। कुछ देर बाद लड़ाई रुक गई। उसके बाद लाशों जख्मियों को उठाने का काम शुरू हुआ। मैं अभी तक गड्ढे में दुबका हुआ था और निकलने के लिए मौके की तलाश में था। इसी दौरान में मैंने इंस्पेक्टर शाद को देखा। इंस्पेक्टर के हाथ में बड़ी टार्च थी और वो लाशों की शिनाख्त कर रहा था। इंस्पेक्टर का राइफल बरदार ASI भी हमरा था। ये कट्टा कट्टा शख्स था। इंस्पेक्टर ने लाशों के ढेर में से एक जिस्म खींच कर बाहर निकाला। ASI ने उसे कंधे पर लादा और वो दोनों बड़ी तेजी से दाईं तरफ नशेब की तरफ बढ़ गए। मुझे शक हुआ कि उन्होंने लाशों में जिस बंदे को निकाला है वो कोई और नहीं रुस्तम भाई है। मेरी समझ में नहीं आया कि वो भाई को ऊपर ले जाने की बजाय नीचे क्यों लेकर गए हैं। उनके अंदाज में भी खास तरह की जल्दी नजर आती थी। मैं हिम्मत करके गड्ढे से निकला और उनके पीछे चल दिया। रास्ते में 1-2 जगह मैंने देखा पुलिस एहलकार लाशों को उठाने से पहले सर्च लाइटों के जरिए अच्छी तरह उनका जायजा ले रहे थे और देख रहे थे कि कहीं कोई लाश उन पर हमला ना कर दे। उस वक्त तक मुझे हरगिज मालूम ना था कि भाई को इस तरह ले जाने वाले कौन हैं और क्या चाहते हैं। बहरहाल उनकी तेजी और अंदाज से मुझे 2 बातों का अंदाजा हुआ। एक तो ये कि भाई की सांस अभी चल रही है और ये लोग उन्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह कि वो भाई को आम अजरालियों और पुलिस वालों की निकाह से बचाना चाहते हैं। ये दोनों बातें जाहिर कर रही थी कि वो रुस्तम भाई के हमदर्द हैं। जब वो रुस्तम भाई को लेकर यहाँ खूह में पहुंचे तो मैंने भी सारे अंदेशे एक तरफ रख दिए और अपनी मेडिकल किट के साथ उन लोगों के सामने चला गया।
शानी और ग्रीस ध्यान से नासर की बातें सुन रही थी। शानी ने कहा, नासर तुम्हारी बातों से पता चलता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले रुस्तम रियाज की हिरासत से निकल चुका था। हाँ जी, मुझे यही पता चला था कि पुलिस वाले पोजीशन छोड़कर पीछे चले गए हैं और भाई को एक पोजीशन पर से रिहा करा लिया गया है। उनको उल्टी हथकड़ी लगी हुई थी जो वहीं पर चाबी के साथ खोरी गई थी। डॉक्टर नासर की बात अभी जारी थी कि खूह के दाने पर आहट हुई। वो तीनों बुरी तरह चौंक गए, लेकिन फिर डॉक्टर नासर एकदम मुतमईन नजर आने लगा। उसने बाहर सुनाई देने वाली ठक ठक की मदम आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाला इंस्पेक्टर शादी है। डॉक्टर नासर ने आगे बढ़कर सील लटाने में इंस्पेक्टर शाद की मदद की। इंस्पेक्टर अंदर आ गया। वो अकेला नहीं था, साथ उसका काबिल एतमाद मातहत भी था। नासर के बयान के मुताबिक ये खासा लंबा चौड़ा शख्स था। कैनवस का एक बड़ा थैला सा उस शख्स की पुश्त पर मौजूद था। ऐसी दो छोटे थैले इंस्पेक्टर शाद के दोनों हाथों में थे। ये क्या है, डॉक्टर नासर ने पूछा। तुम लोगों का राशन पानी। इस बड़े थैले में पानी के कैन भी हैं। अगर इतिहास से इस्तेमाल करोगे तो ये पानी यहाँ 4-5 रोज तक चल जाएगा। मैं जो ज्यादा से ज्यादा कर सकता था वो कर दिया। अब मेरे लिए दोबारा यहाँ आना शायद मुमकिन ना हो। हमें कब तक यहाँ रुकना होगा, शानी ने पूछा। कम अज कम 5 दिन, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मौका महल देख कर खुद फैसला करना होगा। यहाँ से निकलकर किसी महफूज जगह तक पहुँचने में नासिर तुम्हारी मदद कर सकता है। ये यहाँ के रास्तों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। ग्रीस ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज की रात आप यहाँ रुक जाएं? अगर ऐसा हो सकता तो मैं ज़रूर रुकता, इंस्पेक्टर शाद ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया। डीएसपी रियाज पहले ही मुझसे खफा है, अगर मजीद खफा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी दौरान में फासले से फिर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। शानी ने पूछा, क्या अब भी कुछ लोग मुजाहमत कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने नफी में सर हिलाया। दरअसल ये अजराली हैं, अपने सरदार की हलाकत ने उन्हें बहुत मुश्तइल कर रखा है। लाशों पर भी गोलियां चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुलाम कबीर उनका बड़ा सरदार था, उसकी वजह से बाकी सरदार भी अपनी दुश्मनियां भूलकर एक साथ लड़ रहे थे। अब हो सकता है कि उनकी आपस ही में ठन जाए। शानी ने दिलगीर लहजे में पूछा, हसना गुजराती काठिया मुराद वगैरह की लाशें तो हमने देखी हैं, क्या शाह नासर और मुश्ताक का कुछ पता चला है? सब मारे गए हैं, कोई नहीं बचा, बस 10-15 गिरफ्तार हुए थे, उनमें से भी कुछ पहले 3 दिन तक खत्म हो गए हैं। इंस्पेक्टर शाद के लहजे में अफसोस और पेशेमानी यकजा थे। इंस्पेक्टर शाद अब बहुत जल्दी में नजर आता था। डॉक्टर नासर को चंद जरूरी हिदायत और एक साइलेंसर लगा बरेटा पिस्टल देने के बाद वो खूह से रवाना हो गया। जाते हुए उसने नासर को बताया कि सामान में पिस्टल के फालतू राउंड और टार्च के कुछ बैटरी सेल मौजूद हैं। इंस्पेक्टर शाद और उसके सेहतमंद मातहत के जाने के बाद शानी ग्रीस और नासर ने खुद को तनहा और गैर महफूज तसव्वुर किया। तामजल्दी इन्होंने अपनी इस कैफियत पर काबू पा लिया। इंस्पेक्टर जो कर सकता था इसे बढ़कर उसने किया था, अब उसकी अपनी मजबूरियां भी थीं। डॉक्टर नासर एक बार फिर रुस्तम की देखभाल में लग गया। अजदानुमा सांप की लाश को मौके से हटाया, उन्होंने मुर्दा सांप को घसीट कर दहाने तक पहुंचाया और पत्थर की सील को सिरका कर उसे बाहर फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने खूह के कोने में चटाई बिछाई और बैठ गई। शानी की निगाहें रह रह कर रुस्तम के हल्दी चेहरे की तरफ उठ जाती थी। वहाँ जिंदगी की कोई रमक ना थी, चेहरा एक बेजान कपड़े की तरह था। कोई 1 घंटे बाद रुस्तम की हालत मजीद बिगड़ गई, उसकी सांस रुक रुक कर आने लगी और होंठ थोड़े से खुल गए। नासिर ने परेशानी के आलम में उसे एक इंजेक्शन दिया, फिर बेचैनी से टहलने लगा। शानी को यूं लग रहा था कि इसके पूरे जिस्म पर चींटियां रेंग रही हैं। गिर्दोपेश निगाहों में चकराने लगे तो क्या वो उससे जुदा हो रहा था हमेशा के लिए? इसकी खातिर खुद को बदतरीन मुश्किलात के सपुर्द करने वाला क्या आज पोठवार की इस वैरान खूह में जिंदगी की बाजी हार रहा था? अपने जिस्म पर कई खून चुकान जख्म लेकर वो इस सफर पर रवाना होने वाला था जहाँ से कोई वापस नहीं आता? डॉक्टर नासर ने अपनी वॉच देखी, फिर मायूसी के आलम में सर हिलाया और रुस्तम के सरहाने बैठ गया। उसने रुस्तम के अधखुले होंठों पर अपने होंठ लगाए और माउथ टू माउथ ट्रीटमेंट देने लगा। वो बार बार अपनी सांस रुस्तम के सीने में दाखिल करता और फिर खींच लेता। उसने शानी को इशारा किया कि वो अपने हाथों से रुस्तम के सीने पर दबाव बढ़ाए और घटाए। शानी इस हिदायत पर अमल करने लगी। एक तरह से रुस्तम के दिल को हरकत रखने की आखिरी कोशिश थी। 4-5 मिनट तक दोनों लगातार इस कोशिश में मसरूफ रहे। डॉक्टर नासर थका थका हुआ नजर आने लगा था। दोनों ने अपनी जगह बदल ली। नासर की बजाय शानी अपनी सांस रुस्तम के सीने में दाखिल करने लगी और डॉक्टर नासर सीने की ट्रीटमेंट में लग गया। ये मुश्किल तरीन लम्हे थे, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। धड़कन थम सकती थी, सांस की डोर टूट सकती थी। शानी की आंखें बंद थी। इसके होंठ रुस्तम के होंठों से मिले हुए थे। वो अपनी सांस रुस्तम के सीने में दाखिल कर रही थी और सांस ही नहीं अपनी जान भी दाखिल कर रही थी।
एक अजीब वजदानी कैफियत तारी थी उस पर। आंसू रवानी से इसके रुखसारों पर बह रहे थे। इसका दिल चाह रहा था कि सांस की बजाय वो खुद जिंदगी बनकर रुस्तम के सीने में दाखिल हो जाए। नासिर की हिदायत के मुताबिक 5-6 सांस रुस्तम के सीने में दाखिल करने के बाद वो अपना मुंह उसके मुंह से हटा लेती थी, 8-10 सेकंड का वक्फा देती और फिर शुरू हो जाती। ग्रीस रुस्तम की हथेलियों की मालिश में लगी हुई थी। ता जाने क्यों शानी की आंखों के सामने बाबो का वक्त रुखसत आ गया। उसके सीने में जैसे किसी ने दहका हुआ खंजर कोंप दिया। वो तीनों जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे और यूं लगता था कि रुस्तम खुश्क रेत की तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुठियों से फिसल रहा है, खत्म हो रहा है। उसकी सांस अब ज्यादा अटकने लगी थी। प्लीज नासिर, प्लीज कुछ करो, शानी सिसकी। नासिर की आंखों में भी नमी थी। उसके परेशान बाल माथे पर झूल रहे थे। वो मौजूद तिब्बी सहूलतों के साथ बेबस दिखाई देता था। नासिर के चेहरे की मायूसी पढ़कर शानी और बेताब हो गई। उसने तड़प कर रुस्तम का चेहरा देखा, फिर न जाने क्या हुआ कि वो वारफतगी के आलम में उसके होंठ चूमने लगी। एक अजीब वजदानी लहर थी इसके बोसों में। वो सासा रुस्तम को झुंझोड़ रही थी। आंखें खोलो रुस्तम, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गलतियां माफ कर देना रुस्तम, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत दुख दिए हैं, प्लीज रुस्तम मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ, जो तुम कहोगे मैं करूंगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, खुदा के लिए रुस्तम, खुदा के लिए। वो दीवाना वार उससे लिपट गई, उसे बोसे देने लगी, अपनी सांस उसकी सांस में दाखिल करने लगी। चलमों के लिए यूं लगा जैसे रुस्तम की सांस संवार हुई है। डॉक्टर नासर जो अपने हथियार फेंक चुका था एक बार फिर रुस्तम के सीने पर अपने हाथों का दबाव घटाने और बढ़ाने लगा। ग्रीस के मसाज में भी तेजी आ गई। टार्च की मदम रोशनी में इस खूह के अंदर वो तीनों दीवाना वार अपनी कोशिशों में मसरूफ थे। वो पसीने से तर थे और खांप रहे थे। रुस्तम की सांस कदरे हमवार होगी। धड़कन भी जो बिल्कुल मादूम हो चुकी थी दोबारा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। नासिर ने लर्दीदा लहजे में कहा, यस ही इज कमिंग बैक, ये वापस आ रहा है, कोशिश जारी रखो। नासिर की जगह ग्रीस ने ले ली। नासिर ने कांपते हाथों से बीपी अपरेटस निकाला और रुस्तम के उरियां बाजू को करीब करके ब्लड प्रेशर देखने में मसरूफ हो गया। ब्लड प्रेशर देखने के बाद उसकी आंखों में चमक आई। उसने जानी को माउथ टू माउथ ट्रीटमेंट से रोका और तेजी के साथ एक और इंजेक्शन तैयार करने में मसरूफ हो गया। शानी बेदमसी होकर एक तरफ ढह गई। उसके होंठ रुस्तम के सर पर थे। अगले रोज दोपहर तक रुस्तम की हालत मजीद बेहतर हुई। वह अभी बेहोश था मगर चेहरा देखकर अंदाजा होता था कि जिंदगी के इम्कान अब मौजूद हैं। शानी उसकी सूरत देखती थी तो एक हिचकी बेसाख्ता इसका सीना लरजा देती थी। इस हिचकी का ताल्लुक देर तक बहने वाले आंसू से था। ताम इस हिचकी में खुशी की एक लहर भी अपनी झलक दिखाती थी। खुशी इसका ताल्लुक रुस्तम की बेहतर होती हाल से था। गो डॉक्टर नासिर ने साफ कहा था कि रुस्तम की हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं। फिर भी ना जाने शानी को यकीन सा होने लगा था कि अब वो समझ जाएगा। वो उसे माफ़ी मांग चुकी थी और उसे अपनी गैर मशरूत मोहब्बत का यकीन दिला चुकी थी। हाँ अब उसे संभलना होगा। ग्रीस ने एक डिब्बे में से 3 पैक सालन निकाला। साथ में डबल रोटी के पीस और जूस थे। शोनी थोड़ा सा खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। ग्रीस मुलतजी लहजे में बोली, नहीं ग्रीस मैंने कुछ नहीं खाना, तुम डॉक्टर नासिर को खिलाओ। देखो शोनी अगर जिसे में ताकत होगी तो हम आने वाले हालात का मुकाबला तभी कर सकेंगे, अभी पता नहीं क्या क्या झीलना है। ग्रीस मुझे भूख होगी तो खा लूंगी, शानी ने रुस्तम के चेहरे पर नजरें जमाए जमाए कहा। रुस्तम के जिस्म में अब भी कभी कभार थोड़ी सी हरकत पैदा होती थी। यह हरकत मो उसे जिंदगी की तरफ वापस आने का इशारा थी। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, डॉक्टर नासिर की आवाज आई। रुस्तम का बगौर जायजा ले रहा था। क्या हुआ, ग्रीस ने पूछा। नासिर ने शानी और ग्रीस दोनों को इशारे से अपने पास बुलाया। वो दबे पांव नासिर के करीब पहुंच गया। नासिर ने रुस्तम के दाएं हाथ की तरफ इशारा किया। शानी ने देखा, नीम बेहोशी के आलम में रुस्तम के दाएं हाथ की शहादत बार बार हरकत करती थी। यूं लगता था कि वो राइफल का ट्रैगर दबा रहा है। वो मुजाहमत करते हुए दुनिया व माफिया से बेखबर हुआ था और शायद उसी बेहोशी के आलम में भी अपनी नाकाबली शिकस्त मुजाहमत जारी रखे हुए था। डॉक्टर नासिर ने कहा, काश मेरे पास कोई कैमरा होता और मैं इन मनाजर को रिकॉर्ड कर सकता। कौन से मनाजर, ग्रीस ने पूछा। बेहोश होने से पहले रुस्तम बाई के आखिरी मनाजर, राइफल फेंकने की बजाय ये आखिरी वक्त तक राइफल को इस्तेमाल करते रहे। यह राइफल उनके हाथ में लाठी बन गई थी और अजरालियों को करीब आने नहीं दे रही थी। बेबस होने के बावजूद ये आखिरी वक्त तक बेबस नहीं हुए थे। बदतरीन सिचुएशन में भी इन्होंने एक दुश्मन की जान ले ली। ही इज ए यू फाइटर, खुदा ने चाहा तो ये बो से भी हार नहीं मानेंगे, ग्रीस ने उम्मीद जाहिर की। अगले 8-10 घंटे खैरी से गुजर गए तो फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, डॉक्टर नासिर ने शानी को तसल्ली देते हुए कहा।
सपैर के वक्त यके बाद दीगरे धमाके सुनाई देने लगे। ये धमाके बड़े डेरे की तरफ से हो रहे थे। नासिर का ख्याल था कि डेरे के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें तबाह की जा रही हैं। वो तीनों रुस्तम से कुछ फासले पर खुरदरी दीवार से टेक लगाए बैठे थे। शानी ने नासिर से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या ख्याल है? रुस्तम की टांग भी बारूदी सुरंग की वजह से नासिर ने नफी में सर हिलाया। यह अंदाजा गलत था, मैंने जख्म देखा है, यह ब्लास्ट का हरगिज नहीं था। तो फिर क्या हुआ? नासिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, भाई की टांग काटी गई है किसी तेज धार आले से या शायद आरे से। हो गॉड, लेकिन क्यों? ग्रीस ने पूछा। इसका आत्मी जवाब तो मेरे पास नहीं, लेकिन एक अंदाजा है और मेरा दिल कहता है कि यह अंदाजा दुरुस्त होगा। कैसा अंदाजा? शानी ने उड़नी के पल्लू से आंसू पूंछते हुए कहा। डीएसपी रियाज एक बहुत जहरीले शख्स का नाम है। यह शख्स अपनी मामूली से मामूली अहानत भी बोलता नहीं है। ये कर उसम बाई ने उसे हाथा पाई की और उसे टांग मार कर खाई में गिराया था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बाई की टांग के साथ जो कुछ हुआ वो डिप्टी रियाज की वजह से हुआ। उसने खुद किया या उसके कहने पर किसी और ने यह जुल्म ढाया है। खो में एक सोगवार खामोशी तारी हो गई। वो तीनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर डॉक्टर नासिर ने होले से कहा, खैर जो होना था वो तो हो चुका, अब टांग तो वापस नहीं आ सकती। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि टांग के जख्म को खराब होने से बचाएं। इसके लिए सख्त कोशिश करना पड़ेगी। ये कोई मामूली जख्म नहीं है, हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ना लाजमी है। अगर हड्डी नंगी रह जाए तो वो नीली हो जाती है और ये बहुत खतरनाक होता है। तुम लोगों ने रुस्तम को यूं डेरे से निकलने क्यों दिया? इसे रोका क्यों नहीं? शानी रूहानसी होकर बोली। इन्होंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। रात के अंधेरे में वो खामोशी से निकले। हमें 2-3 घंटे बाद मालूम हो सका, वो भी इसलिए कि इनका छोड़ा हुआ खत मिला। खत? शानी ने हैरान होकर पूछा। नासिर ने जरा तवक्कुफ करने के बाद इस बात में सर हिलाया। उस खत में इन्होंने लिखा था कि बीबी डिप्टी रियाज के पास है, उनके साथ कुछ भी कर सकता है। उनकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे हर सूरत में अपनी गिरफ्तारी देना होगी और मैं ये गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अगर मैंने डॉक्टर नासिर का गला रुंध किया और वह बात मुकम्मल ना कर सका। शानी ने बैठे बैठे अपना सर घुटनों पर डाल दिया और सिसकी, मुझे मर जाने दिया होता, क्यों मेरे लिए ये सब कुछ किया? क्या हासिल हुआ इसे? ग्रीस ने शानी को अपने साथ लगा लिया और तसल्ली अमेज अंदाज में उसकी कमर पर हाथ फेरने लगी। डॉक्टर नासिर उस को देखने के लिए आगे चला गया। शानी ने सिसक कर कहा, इसकी जिंदगी मेरे लिए तबाह हो गई, हमेशा के लिए माजूर हो गया, अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकेगा। इसका क्या होगा ग्रीस? अभी तो ये सोचो कि हम सब का क्या होगा। हम मुकम्मल तौर पर गिरे हुए हैं, किसी भी वक्त इस गार से बाहर लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे में हम चारों का पकड़ा जाना यकीनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नासिर तो किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं देगा, वो अपने साथियों की तरह यहीं पर जान हारना पसंद करेगा। शानी कदरे धीमी आवाज में बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता ग्रीस के तुम इसका पिस्टल कहीं छुपा दो या फेंक दो? इन हथियारों से हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन यही हथियार हिफाजत भी तो करते हैं, एक आवाज ने शानी और ग्रीस को चौंका दिया। उनुदगी की हालत में रुस्तम कराहा। शानी जल्दी से उसके पास चली गई। डॉक्टर नासिर ने उसे मशवरा दिया कि वो चम्मच के जरिए थोड़ा थोड़ा दूध रुस्तम के मुंह में टपकाने की कोशिश करे। शानी ने रुस्तम का सर अपनी रानों पर रखा और चम्मच के साथ उसे दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। शुरू में दूध बाछों से बहता रहा, लेकिन फिर रुस्तम ने निकलना शुरू कर दिया। रुस्तम के जिस्म पर अभी तक खून आलूद कुर्ता था। ये कुर्ता देख देख कर शानी का दिल खोलता था। क्या मैं ये कुर्ता उतार दूं? शानी ने नासिर से पूछा। नासिर ने इजाजत दे दी। शानी ने नासिर की मेडिकल किट में से एक कैंची निकाली और पूरी एहतियात से बैला कुचैला खून आलूद कुर्ता उसके जिस्म से अलहदा कर दिया। रुस्तम का चौड़ा चकला बालों भरा सीना शानी के सामने था। इस सीने पर अंग्रेजी का हर्फ बी खुदा हुआ था। यूं लगता था कि किसी गर्म सलाई से यह हर्फ जिल पर कुंदा कर दिया गया है। शानी ने लर्जा उंगलियों से उस हर्फ को छुआ। अचानक इसके चेहरे पर शर्म की मदम सुर्खी फैल गई। इसके दिल ने गुवाही थी कि इस निशान का ताल्लुक खुद इससे है। डॉक्टर नासिर नब्ज़ देखने के लिए रुस्तम की तरफ आया तो शानी ने जल्दी से हाथ बी के निशान पर रख दिया, जैसे कुछ चोरी छुपाना चाह रही हो। डॉक्टर नासिर जितनी देर नब्ज़ देखता रहा, शानी का हाथ रुस्तम के सीने पर रहा। नासिर मुस्कुराया और होले से बोला, आप कुछ छुपा रही हैं शायद। क्या मतलब? डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपा रहता, नासिर ने कहा और दूसरी तरफ चला गया। शानी के चेहरे की सुर्खी कुछ और बढ़ गई। इससे पहले वो मेले वाले वाके के बाद मौसम बस्ती में भी रुस्तम को कमीज के बगैर देख चुकी थी, लेकिन तब वो इस निशान पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। बहरहाल जल्दी शानी ने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। गीले कपड़े से उसने रुस्तम का सीना और पेट अच्छी तरह साफ किया। उसके सूजे हुए चेहरे और खून आलूद बालों पर भी गीला कपड़ा फेरा। तब एक सफेद चादर से उसका जिस्म गर्दन तक ढांप दिया। वो अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करने लगी।
नासर और ग्रीस वगैरह से अब भी कुछ छुपाने की कोशिश बेकार थी। कल रात रुस्तम के लिए उसकी बेखुदी वो खुद अपनी आंखों से देख चुके थे और वो सब कुछ सुन चुके थे जो रुस्तम के लिए कहती रही थी। उसे याद आया कि उसने कई बार रुस्तम के होंठ चूमे थे और उसे अपने साथ लिपटाया था। अब कम अज कम नासर और ग्रीस के लिए तो कुछ भी राज नहीं था। इन गंभीर लम्हों का ख्याल करके एक हया मेज झुरझुरी शानी के जिस्म में पैदा हुई। कुछ देर बाद डॉक्टर नासर ने इशारे से शानी को अपने पास बुलाया। नासर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, बीबी शानी, आपकी जिम्मेदारी कुछ और बढ़ने वाली है। उम्मीद है कि एक दो घंटे तक बाई होश में आ जाएंगे। होश में आने के बाद वो किस तरह का रद्देअमल जाहिर करते हैं, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने चिल्ली होते देखा है। उन वाकियात ने और मनाजिर ने उनके अंदर जो वहशत भरी थी, उसका मैं चशमदीद गुवाह हूं। अब अगर होश में आने के बाद उन्होंने किसी तरह की बेचैनी और तैश दिखाया तो आप ही ने उन्हें संभालना है। ये इस काबिल खारगिज नहीं है कि अपनी जगह से उठकर बैठने की कोशिश भी करें। अगर इन्होंने गुस्से में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया तो ये भी हमारे लिए खतरनाक होगा। इनकी आवाज बाहर जा सकती है। मेरी बात आप समझ रही हैं ना? शानी ने इस बात में सर हिलाया। ग्रीस बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर रुस्तम की तरफ से कोई शदीद कैफियत जाहिर हो तो तुम इसे ट्रैंक्विलाइजर वगैरह दे दो? ट्रैंक्विलाइजर तो है मेरे पास, लेकिन बहुत थोड़ी मकदार में है। वो मैं सख्त जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शाम तक रुस्तम होश में आ गया। वो पहले देर तक कराता रहा, फिर उसने आंखें खोल दी। टार्च की रोशनी में वो खाली खाली नजरों से खूह की गैर हमवार छत को घूरता रहा। यूं लगा जैसे वो याददाश्त खो चुका है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के तासरात बेहतर हुए। उसने सबसे पहले सर उठाकर अपनी कटी हुई टांग को देखा, जैसे यकीन करने की कोशिश हो कि ये सानिया वाकई ही उस पर गुजर चुका है। तभी एकदम से उसने उठने की कोशिश की। शानी ने उसके सीने पर हाथ रखा। नहीं रुस्तम, तुम जख्मी हो, इसी तरह लेटे रहो। रुस्तम ने पूरी तवज्जो से शानी को देखा। एकदम उसके चेहरे के तने हुए उजलाट ढीले पड़ गए। बीबी आप? उसने सर दोबारा हवा भरे तकिए पर डाल दिया। एक बार फिर ताज्जुब से चारों तरफ देखकर निगाहें बीबी के चेहरे पर गाड़ दी। रुस्तम, तुम बिल्कुल महफूज हो, यहां सब खैरियत है। हम बड़ी देर से तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। रुस्तम ने एक बार फिर चारों तरफ देखा, जैसे अपने संगीत साथियों को ढूंढ रहा हो। लाला, खसना, मुराद, आहुजा और शाह वगैरह, लेकिन उनमें से कोई भी उसके पास मौजूद ना था, क्योंकि सब अपनी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। रुस्तम ने जबड़े भींचे और आंखें बंद कर ली। शानी ने देखा, दो आंसू उसकी आंखों के बाहरी गोशे से निकले और कनपटियों की तरफ रेंग गए। डॉक्टर नासर जल्दी से आगे बढ़ा और रुस्तम की पेशानी पर हाथ रखा। रुस्तम भाई, किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी, इस वक्त तुम्हें मुकम्मल सुकून की जरूरत है। कोई बात ना करो, बस चुप लेटे रहो। रुस्तम ने अपने जख्मी जबड़े को बामुश्किल हरकत दी और मदम आवाज उसके होंठों से निकली। डिप्टी रियाज कहाँ है? वो दफा हो गया है, चला गया है यहां से। आपसे कहा है ना, अभी किसी बारे में मत सोचें, नासिर ने कहा। हाँ रुस्तम, तुम्हें मुकम्मल सुकून की जरूरत है। शानी ने हिम्मत करके उसके बालों में उंगलियां चलाईं। बीबी की उंगलियों की सरसराहट महसूस करके रुस्तम ने फिर आंखें नीम वा कर दी। उसके चेहरे पर अजीब कैफियत थी। डॉक्टर नासिर ने एक चम्मच के जरिए कोई और दवा रुस्तम के होंठों पर टपकाई। कुछ ही देर बाद रुस्तम फिर नींद की आगोश में चला गया। यह नींद बेहोशी से मुशाबा थी। अगले 24 घंटे में रुस्तम पर नींद और बेदारी के कई ऐसे वक्फे आए। उसके जबड़े की सूजन अब कदरे कम थी। डॉक्टर नासर बड़ी तेजी से उसकी मरम पट्टी में मसरूफ रहता था। इस काम में अक्सर शानी उसकी मदद करती थी। ताम शानी में अभी तक ये हिम्मत पैदा नहीं हुई थी कि वो रुस्तम की कटी हुई टांग का जख्म देख सके। हाँ, ये जख्म एक दो बार ग्रीस ने जरूर देखा था और नासर से इस बारे में तबसरा भी किया था। ग्रीस के बेहद इसरार पर शानी पूरे दिन में बमुश्किल 7-8 लुकमें लेती थी। वो ज्यादा वक्त रुस्तम की देखभाल में मसरूफ रहती थी। जू जू वक्त गुजर रहा था, इनके जहनों से पुलिस और अजरालियों का खौफ कम होता जा रहा था। बड़े डेरे की तरफ जो फायरिंग की आवाज़ें पिछले 3-4 दिन से आती रही थी, वो अब मादूम हो चुकी थी। किसी तरह की नकलो हमल का एहसास भी ना था। बस दिन में एक आध बार हेलीकॉप्टर की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे जाती थी, या फिर किसी बारूदी सुरंग को ब्लास्ट किया जाता था और उसके धमाके से पैदा होने वाली गूंज दूर तक लहरें लेती महसूस होती थी। ग्रीस और शानी किसी को बताए बगैर यहाँ आई थी। यकीनी बात थी कि मीडिया पार्टी में उन दोनों को मौजूद ना पाकर पुलिस अफसरों को तश्वीश जरूर हुई होगी। शानी ने इस हवाले से ग्रीस से पूछा तो वो बोली, मेरा दिल कहता है कि जमीर साहब ने यह मामला किसी ना किसी तौर संभाल लिया होगा। मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया था। यह भी मुमकिन है कि शायद अफरा तफरी में पुलिस वालों का ध्यान ही हमारी तरफ ना गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि रियाज ने मुझे इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दिया हो।